राजधानी देहरादून के विकास नगर में जनसंघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष और JMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने आज एक पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसमें विजय राम शर्मा, दिलबाग सिंह, भीम सिंह बिष्ट व प्रमोद शर्मा मौजूद रहे। आयोजित पत्रकार वार्ता में रघुनाथ सिंह नेगी ने बताया कि 26 मई 2022 को रुड़की निवासी पनियाल ने विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष खानपुर से निर्दलीय विधायक द्वारा दल बदल किए जाने के मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसमें बताया गया था कि विधायक द्वारा निर्दलीय रूप से विधायक चुने जाने के बाद पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने और अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाकर दल बदल कानून का उल्लंघन किया है, जिसके चलते इनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। लेकिन लगभग 2.5 साल होने को है, इतने लंबे अंतराल के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी द्वारा कोई कार्रवाई ना करना निश्चित तौर पर इनकी मिलीभगत की तरफ इशारा करता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि इस मिलीभगत का सबसे बड़ा प्रमाण यह भी है कि इनके द्वारा विधानसभा सचिवालय के अधिकारियों को इस कदर अपने प्रभाव में लिया गया है कि कोई भी अधिकारी सदस्यता संबंधी मामले में दस्तावेज देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने कनिष्ठ अधिकारियों को 9-9 अनुस्मारक भेजने के बाद भी उनके द्वारा सदस्यता रद्द करने के संबंधी मामले में कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सूचना आयोग में मामले की तिथि निर्धारित होने के बाद अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि सदस्यता रद्द करने संबंधी मामला विधानसभा अध्यक्ष के पटल पर विचाराधीन है। वहीं अब विधानसभा अध्यक्ष को चाहिए कि इस मामले में निर्णय लें। निर्णय चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर हालत में निर्णय होना चाहिए। इसके साथ ही मोर्चा इस नाकामी के मामले में खंडूरी से इस्तीफे की मांग करता है। दरअसल जो विधानसभा अध्यक्ष है श्रीमती रितु खंडूरी जी, उनके द्वारा लगभग 2.5 साल से जो खानपुर के निर्दलीय विधायक है उनके दल बदल के मामले में कोई कार्रवाई न करना निश्चित तौर पर दर्शाता है कि इनकी मिलीभगत है, कहीं ना कहीं दरिया दिली है और ये कानून की ध्वजा उड़ाने का जो काम कर रही है उससे इनके इस्तीफा हम इसलिए उनकी इस्तीफे की मांग करते हैं। दरअसल मामला ये है कि मई 2022 में रुड़की के निवासी हैं पन्याले जी, उन्होंने एक इनके दल बदल को लेकर के इनके द्वारा किसी पार्टी का गठन किया गया था जो निर्दलीय विधायक है उसको लेकर के एक याचिका इनके समक्ष दायर की थी 2022 में। लेकिन आज 2.5 साल होने को, 2.5 साल के अंदर इन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर, अपने जो मातहत अधिकारी हैं उनको भी इतना ज़्यादा डरा धमका रखा है कि कोई भी इसके संबंध में सूचना देने को तैयार नहीं है। 8-9 अनुस्मारक जो इनके सीनियर अधिकारी अपने जूनियर अधिकारी को भेज रहे हैं कि आप इसमें जो इनके दस्तावेज हैं जो संलग्नक हैं जो याचिका के साथ उनको जो अनुरोध करता उसको दीजिए, लेकिन अब तक नहीं दिए गए।